हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। सो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले डिवीज लैब के मार्केट में क्वार्टरली वन रिजल्ट आ चुके हैं, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो उस रिजल्ट्स के बाद आपको इस शेयर के अंदर किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, इस फार्मास्यूटिकल स्टॉक के अंदर आपको निवेश करना है या नहीं करना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो कंपनी का रेवेन्यू है यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर वो 9% यहाँ पर बढ़कर हो चुके हैं 1960 करोड़ रुपीज़, एज वेल एज जो कंपनी के नेट प्रॉफिट से वो भी यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर 10% बढ़कर हो चुके हैं 557 करोड़ रुपीज़। सो क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम आपको इस शेयर के अंदर बनते हुए देखने को मिल सकता है। कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से 13% बढ़कर हो चुका है 1960 करोड़ रुपीज़, एज वेल एज जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी वाईओवाई बेसिस पर 13% बढ़कर हो चुका है 557 करोड़ रुपीज़। सो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी बेहतरीन है, उसके साथ में कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे होने के कारण जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का 1,30,504.35 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि इस कंपनी को एक लार्ज कैप स्टॉक जरूर बनाता है। ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 2 रुपीज़ डिविडेंड यील्ड इसका 0.41%। बीटा है इसका 0.74, जो कि आपको इंडिकेट करता है कि अगर इंडाइसेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको 0.74% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली अगर हम इसको इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से कंपेयर करें तो यह है वो है 40.49, और बल्कि इस शेयर का जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 66.77 के रेशियो फॉर्म में। सो इसका प्राइस टू बुक है वो भी है 14.08 और बुक वैल्यू शेयर की 349.25 रुपीज़। अगर मैं यहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो उसके साथ आप देख सकते हो कंपनी का टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन के अंदर भी आपको 2020 में भी एज वेल एज 2021 में भी कंपनी की जो ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस से वो काफ़ी अच्छी और यहाँ पर बेहतरीन हमें साबित होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं, उसके अंदर जो कंपनी की प्रॉफिटेबल स्टेट है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस हो रहा है। करंटली 5 ईयर हाई प्राइस भी देखें तो नियरली वो 5,045.2 रुपीज़ और करंटली 4,916 के आसपास करंटली मार्केट में ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ही आप डिवीज लैब के अंदर निवेश करिएगा। जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा प्राइस वैल्यूएशन पे करंटली ये शेयर पहुंच चुका है, ऑल दो इसके एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको अपसाइड के अंदर यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकता है, बट फिर भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आपको शेयर में देखने को मिलता है मार्केट के अंदर अगर कभी कभी करेक्शन आता है या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर अगर कोई करेक्शन आता है तब मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। सो होप करता हूँ कि आपको डिवीज लैबोरेटरी लिमिटेड कंपनी जो मार्केट में जो क्वार्टरली वन रिजल्ट आ गए हैं वो आपको अच्छे से पता चल गए होंगे और उसके ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना है, आपको निवेश करना है या नहीं करना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।